बनूं मैं तेरी दुल्हन, हाँ दुल्हन, हाँ दुल्हन, छम छम करती पायलियाँ वो। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ वेडिंग स्पेशल मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कोई वीडियो रिक्वेस्ट या हो सजेशन तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और हाँ, प्लीज बताएं कि आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लगा। मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज किए हैं इस लुक को क्रिएट करने के लिए, उन सबकी बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी लेना हो तो लिंक के थ्रू आप जाके ले सकते हो। सो ज्यादा बातें ना करते, चलो देखते हैं कि इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया। सबसे पहले मैं यहाँ पर विटन वाइल्ड का रोज वाटर टोनर यूज कर रही हूँ। इससे हमारा पीएच बैलेंस मेंटेन हो जाएगा और हमारा फेस काफी अच्छी तरीके से हाइड्रेट हो जाएगा। सीरम के लिए मैं यहाँ पर एनमाइवे का सीरम यूज कर रही हूँ। इसमें मैं फेशियल ऑयल मिक्स करूंगी ताकि मेरा फेस ग्लोई ग्लॉसी लगे। ऑयल के लिए मैं यहाँ पर विटन वाइल्ड का फोटो फोकस रोज मल्टी यूज ऑयल यूज कर रही हूँ। इससे आपके फेस भी इतना प्यारा सा ग्लो रहता है कि मैं आपसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। 4-5 ड्रॉप्स ही काफी रहती है आपके फेस पे ग्लो लाने के लिए। ये देखिए, कुछ इस तरीके से लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लेना है आपको फेस एंड नेक पे। प्राइमर के लिए मैं यहाँ पर विटन वाइल्ड का फोटो फोकस प्राइमर यूज कर रही हूँ। और ये प्राइमर ऑयल बेस है, आप देख सकते हो, बट बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। किसी भी स्किन टाइप के लोग इसे लगा सकते हैं। फेस एंड नेक पे अच्छे से लगा के ब्लेंड कर लेना है। अब बढ़ते हैं आईब्रो फिल करने की तरफ। तो आईब्रो फिल करने के लिए मैंने यूज किया है मेकअप रेवोल्यूशन का ब्रो पोमेड, जो कि काफी लॉन्ग लास्टिंग है और ऑल टाइम मेरा फेवरेट है। आप लोग 1.5 साल से मुझे यही यूज करते हुए देख रहे हो। शेडो प्राइमर के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ गर्ल का न्यूड आई शेडो प्राइमर। उसे लगा के मैंने ब्लेंड कर लिया, बट वो क्लिप डिलीट हो गई। अब मैं यहाँ पर आई शेडो के लिए ग्लैम गर्ल्स का सिंगल आई शेडो यूज कर रही हूँ, जो कि है ग्रीन शेड। इस तरीके से मैं इस साइज में भी लगा ले रही हूँ। इसे लगा के अच्छे से ब्लेंड करना है आपको। ब्लेंडिंग का प्रॉपर ख्याल रखना है, तभी आपका आई लुक भर कर आएगा। अब मैं यहाँ पर यूज करूँ मेकअप रिलेशन का आई शेडो पहले। यहाँ से मैंने लाइट पिंक शेड पिक किया हुआ है और यहाँ कुछ इस तरीके से इनर कॉर्नर से लेके यहाँ तक मैं लगा ले रही हूँ। लगा के अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग का आपको प्रॉपर ख्याल रखना है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, तभी आपका आई लुक अच्छा उभर कर आएगा। और बीच में मैं दूसरा कलर लगाऊंगी, इसलिए बीच में मैं प्लेस छोड़ दे रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं मेरे दोनों आईज में लगा ले रही हूँ। ब्रश आपको पेंसिल, स्मॉल पेंसिल ब्रश ही यूज करनी है। ब्रश का आपको प्रॉपर ख्याल रखना है। मैं यहाँ से गोल्ड सेट पिक कर रही हूँ एंड क्रीज पे लगा ले रही हूँ कुछ इस तरीके से, क्योंकि मुझे कलरफुल आई मेकअप क्रिएट करना था। हल्दी संगीत, इस लुक को आप कभी भी क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे ही मैं मेरे दोनों आईज में लगा ले रही हूँ। ग्लिटरी इफेक्ट मिले उसके लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ कलर बार का आई लाइनर प्लस आई शेडो। लिक्विड फॉर्म में है, ग्लिटरी लुक मिलता है और यह सेट मेरा गोल्डन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको लगा ले रही हूँ और एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। वैसे आप ना भी ब्लेंड करें तो भी बिल्कुल भी ड्राई फेसेस नहीं आते। आई शेडो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, इसमें काफ़ी सारे कलर हैं और मैंने सारे कलर लिए हुए हैं। और जल्दी मैं आप लोगों के साथ मेरा मेकअप कलेक्शन भी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि 2019 जाने वाला है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मंथ जाते जाते मैं आप लोगों के साथ इस साल का मेकअप कलेक्शन के शेयर कर दूं। तो वेट कीजिएगा, जल्दी वो वीडियो आने वाला है। मैंने रिकॉर्ड कर लिया, बस एडिटिंग करनी बाकी रह गई है। अब मैं फिर से ग्रीन शेड को पिक कर रही हूँ एंड आउटर कॉर्नर पे कुछ इस तरीके से लगा के ब्लेंड कर ले रही हूँ। आईलाइनर के लिए मैं यहाँ पर बेला ओस्टे का स्केच आईलाइनर यूज कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। देखिए,
फिर से ग्रीन शेड पिक कर रही हूँ एंड लोअर लैश लाइन के नीचे स्मज कर ले रही हूँ ताकि स्मोकी इफेक्ट आए, और मिडिल में मैं पिंक शेड लगाऊंगी एंड कॉर्नर पे गोल्ड शेड लगाऊंगी। इससे काफी प्यारा लुक आता है, आप खुद ही देख लीजिएगा। और अब मैं यही गोल्ड शेड लगा ले रही हूँ इनर कॉर्नर पे। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पर मेबलिन फिटवी मैट पोलिश फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। अब मैं डॉट डॉट करके लगा ले रही हूँ, मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं लगा रही हूँ, हल्का हल्का सा ही लगा रही हूँ, क्योंकि मैं इसके बाद यूज करूंगी मिलानी का कम्पैक्ट जो कि लिक्विड फॉर्म में है और काफी लॉन्ग लास्टिंग है। इसको अच्छे से लगा के ब्लेंड करना है, आपको ब्लेंडिंग का अच्छे से ख्याल रखना है, चाहे वो आई शेड हो, चाहे वो कम्पैक्ट या पाउडर, जो भी हो, जितना ही अच्छी तरीके से आप ब्लेंड करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा ग्लो आपके फेस पे आएगा। तो इसको मैं अच्छे से लगा के ब्लेंड कर ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पर मिलानी का यूज कर रही हूँ, काफी गुड क्वालिटी का। इसे लगाने के बाद इतना प्यारा सा ग्लो आता है कि मैं क्या बोलूँ। तो अच्छे से फेस एंड नेक पे लगा के मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ। लगाने पे लगेगा कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट कुछ टाइम बाद ही सेट हो जाता है। इसके लिए मैंने एलेगल का ब्लश कलेक्शन पैलेट यूज किया है। सबसे पहले यहाँ से मैंने कंटूर सेट पिक किया, और क्योंकि मैंने मेरे फेस पे काफी ज्यादा लेयर लगाई हुई है, चाहे वो फाउंडेशन, कंसीलर या फिर किसी भी चीज की आप ले लो, तो अगर हम यहाँ पर कंटूर यूज नहीं करेंगे तो फेस का शेप अच्छा नहीं लगेगा। ब्राइडल मेकअप है तो कंटूरिंग तो करनी जरूरी है, नोज कंटूर भी मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से लगा के ब्लेंड कर लेना है। इसी पैलेट में से मैं पीच शेड का ब्लश यूज कर रही हूँ, स्माइल करते हुए चिक पे लगा के ब्लेंड कर ले रही हूँ। थोड़ा सा डार्क लगा रही हूँ। हाइलाइटर मैंने पैक का वेव्ड हाइलाइटर यूज किया है, तो मैं मेरे फेस के हाई पॉइंट्स पे लगा के ब्लेंड कर ले रही हूँ अच्छे से, कुछ इस तरीके से। और पैक का हाइलाइटर मस्ट है, अगर आप की शादी होने वाली है तो आपके पास ये जरूर होना चाहिए, काफी नेचुरल ग्लो आता है इसे यूज करने के बाद। ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर ले रही हूँ मैं। के लिए मैंने यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड की लिक्विड लिपस्टिक यूज की है, शेड नेम मुझे याद नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। हल्का हल्का सा लगा ले रही हूँ, हल्का सा नहीं, मैं इसे तब तक लगाऊंगी जब तक मुझे मेरा डिजायर कलर नहीं मिल जाएगा। मेकअप को सेट करने के लिए मैंने पैक का प्रेप प्लस प्राइम सेटिंग स्प्रे यूज किया है। अब मैं बिंदी लगा ले रही हूँ। आती है ज्वेलरी की, तो चलो इसे भी पहन लेते हैं। सजना है मुझे सजना की। So, कैसा लगा मेरा सॉन्ग? I know I'm bad singer, फिर भी ट्राई किया। So, ये रहा मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा बताइएगा जरूर। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू।